हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी मोटर का वाइंडिंग डाटा किस प्रकार निकाला जाता है। और दोस्तों, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मोटर का डाटा किस प्रकार निकाला जाता है, उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा मोटर का जो वाइंडिंग होता है उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। किसी भी मोटर का वाइंडिंग जो किया जाता है या करते हैं, वो आपको जनरली दो पोल, चार पोल, छः पोल का मोटर होता है और दो पोल से वाइंडिंग किया जाता है, दो पोल के द्वारा, चार पोल के द्वारा और छः पोल के द्वारा। तो पोल का मतलब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पोल का मतलब यहाँ पे जनरली हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो रनिंग कॉइल का जो सेट होता है दोस्तों, उसे दर्शाया जाता है, या आप समझ सकते हैं जो कॉइल का सेट, दो पोल, दो कॉइल का सेट, चार का सेट। और इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि दो पोल का जो वाइंडिंग होता है उसमें आपको 2800 RPM आउटपुट होता है, निकलता है। और यदि चार पोल से 1400 RPM और छः पोल का जो मोटर होता है वो आपको 900 RPM का होता है। ये नॉलेज जो है हमें होना चाहिए कोई भी मोटर का डाटा निकालने के लिए। और जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसमें भी हमें यहाँ पे पोल संबंधित जानकारी चाहिए होगा। चलिए हम दोस्तों अब बात करते हैं फार्मूला के। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे हम देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रनिंग कॉइल का जो टर्न होता है, इस फार्मूले से आप जनरली आप निकाल सकते हैं। और जो किसी भी मोटर का जो वाइंडिंग होता है दोस्तों, तो उसमें मेन रनिंग ही होता है। यदि आप रनिंग कॉइल का टर्न आपको पता है तो आप स्टार्टिंग कॉइल का भी टर्न पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला के तरफ हम चलते हैं डायरेक्ट। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार का है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना 3.14, मोटर की कोर की लंबाई, कोर का इनर डाय गुना 3.14। और इसमें जो हम गुना करने के बाद जो आंसर होगा, आंसर को हम यहाँ पे आंसर को जो यहाँ पे हम पोल से डिवाइड करेंगे। जितना पोल का आपका मोटर होगा उतना पोल से हम यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे। अब जितना आंसर आएगा हमें, उस आंसर से आपको 15.6 में भाग करना होगा। 15.6 भाग आंसर, मतलब उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हमें वोल्ट से गुना करने होंगे, आंसर गुना वोल्ट। यहाँ पर अब वोल्ट भी तीन तरह का यहाँ पे आपको अप्लाई होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपका दो पोल का वाइंडिंग है तो आपको 110 वोल्ट से आपको गुना करने होंगे। यदि आपका मोटर या वाइंडिंग चार पोल का है तो यहाँ पे आपको 55 से गुना करने होंगे। और यदि आपका मोटर वाइंडिंग जो है छः पोल का है तो यहाँ पे आपको 37 से गुना करना होगा। अब यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि ये कहाँ से आ गया, तो चलिए हम इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम जानकारी ले लेते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि जो सेट होता है तो उसमें आपको 220 वोल्ट जनरली यहाँ पे हम लोग के यहाँ यूज होता है, ठीक है। तो 220 में आपको, चूँकि रनिंग कॉइल का दो सेट है, तो 220 भागा दो यहाँ पे हमें करने होंगे। दो इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला जो निकालते हैं वो आपको एक सेट का निकाला जाता है, और जबकि यहाँ पे दो सेट है। उसी प्रकार से चार पोल का जो होगा तो यहाँ पे चार से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपना जो वोल्टेज है 220 वो चार सेट में बटा जाएगा। उसी प्रकार से छः पोल में होता है। और दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से यदि मोटर का जो है वाइंडिंग डाटा निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे वायर गेज जो है आपको खुद से डिसाइड करना होगा, आपको खुद से
आप अपने अनुभव से यहाँ पे निकाला जाता है, आप निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक मोटर है जो कि बिल्कुल खाली है, क्योंकि ये 3 फेज का मोटर था दोस्तों, 3 फेज और 1 HP का मोटर था। 24 स्लॉट है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसे हमें यहाँ पे सिंगल फेज और 1440 RPM यानी 1400 RPM पे हमें वाइंडिंग करना होगा। तो हम दोस्तों इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस मोटर का सबसे पहले डाटा निकालेंगे और उसके बाद जो है इसका वाइंडिंग करेंगे। तो डाटा निकालने के लिए जैसा कि आपको पता है कि कोर साइज का जो है लंबाई, कोर की लंबाई यहाँ पे हमें निकालना होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंच है। और यदि यहाँ पे हम बात करें इनर डाई की, तो 3 इंच में यहाँ पे 1 सूत कम है, जो कि लगभग 2.9 इंच होता है। और सारा मेजरमेंट हमें यहाँ पे दोस्तों इंच में लिखना होगा, इंच में निकालना होगा। तो कोर की लंबाई 3 इंच और इसका जो चौड़ाई है इनर डाई है वो आपको 2.9 इंच है। तो चलिए दोस्तों हम फिर से दोबारा अपने कॉपी पे आ जाते हैं। और ये रहा अपना जो है यहाँ पे फॉर्मूला। चलिए हम जो फॉर्मूला है वो उसी के आधार पे यहाँ पे हम वाइंडिंग डाटा निकालते हैं। और दोस्तों इसका पिच भी जो है आपको अपने से यहाँ पे डिसाइड करना होगा। इस फॉर्मूले से आपको पिच का जो है जानकारी नहीं होगा तो वो आपको अपने से निकालना होगा। और स्लॉट पिच जो है आपको यहाँ पे स्लॉट पे निर्भर करता है, कितना स्लॉट का मोटर है आपका, उस आधार पे आप पिच को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस मोटर का जो हमने यहाँ पे डाटा कोर का जो डाटा निकाला वो इस प्रकार है। लंबाई है 3 इंच और इसका जो चौड़ाई था वो 2.9 इंच था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसका चौड़ाई भी लिख लेते हैं और उसके बाद से इसका डाटा निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम फाइनली इस मोटर का जो है डाटा निकालते हैं, जो कि पहले जो फॉर्मूला था आपका उसके आधार से लंबाई गुना चौड़ाई गुना 3.14। तो लंबाई यहाँ पे 3 था और चौड़ाई 2.9 और जो फॉर्मूला है 3.14 उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। और हम यहाँ पे मोबाइल ले लेते हैं और मोबाइल में जो है कैलकुलेटर यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना है 3 × 2.9 × 3.14। तो यहाँ पे हमको आंसर कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आता है 27.318, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 अंक तक ही लेते हैं दशमलव के बाद, तो 27.31 यहाँ पे फाइनल आंसर आया। अब आंसर यहाँ पे लिखेंगे 27.31 और उसे हम डिवाइड करेंगे पोल से, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ पे 1400 RPM पे इस मोटर का जो वाइंडिंग करना है, इसीलिए हमें यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि 1400 RPM 4 पोल में 4 पोल होता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पुनः हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटर पे 27.31 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे कुछ आंसर इस प्रकार का आता है 6.82, दशमलव के बाद 2 अंक ही लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर दोस्तों फार्मूला के आधार पे यहाँ पे आंसर लिखते हैं, पहले 6.82, उसके बाद जो फॉर्मूला में था 15.6 वहाँ पे हम लिखते हैं, और उसके बाद जो है 15.6 में आंसर से हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं 15.6 डिवाइडेड बाय 6.82। तो आंसर यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार का आता है 2.28 यहाँ पे हमें लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर फॉर्मूला पे आते हैं, जो आंसर आता है दोस्तों उसे हम अब यहाँ पे वोल्ट से मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना होगा। तो वोल्ट जैसा कि आपको पता है 4 पोल का यहाँ पे हम वाइंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 55 से गुना करना होगा 55 वोल्ट से, चूँकि एक सेट पर आपको 55 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आएगा। तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं तो हमको आंसर 125.4 यहाँ पे आता है। तो सिर्फ हम 125 लिख लेते हैं, और यहाँ पे चाहे तो आप 125 को राउंड फिगर में 130 भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो कि टर्न्स है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो एक सेट
इसका जो टर्न यहाँ पे फॉर्मूला के द्वारा निकल के आया है वो है दोस्तों 130, चूँकि 125 निकला था, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा के ही आप टर्न लगा सकते हैं इसमें। और इस चूँकि इस मोटर में जो है 24 स्लॉट है, तो इसमें आपको जो है एक सेट में आपको यहाँ पे दो कॉयल बनाने होंगे, और उसका जो पिच होगा दोस्तों दोनों कॉयल का वो 1 से 4 और 1 से 6 होगा। तो चूँकि 130 को हम दो कॉयल में यहाँ पे बांटने वाले हैं, इसीलिए आप चाहें तो बिल्कुल आधा आधा भी यहाँ पे टर्न आप डाल सकते हैं, यहाँ पे डाटा निकाल सकते हैं, रख सकते हैं 65+65, चाहे तो आप 60+70 भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे टर्न डाल सकते हैं आप। और इसका पिच जो है हमने जो बताया था 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में एक राउंड होगा इसका पिच। और दोस्तों इसका जो वायर गेज होगा दोस्तों वो आपको अपने अनुभव से निकालना होगा, और कोशिश करूंगा कि इसका भी दूसरा वीडियो हम लेके आएंगे वायर गेज के लिए। और इसका जो स्टार्टिंग कॉइल का जो डाटा है दोस्तों वो आपको रनिंग कॉइल के आधार पे ही आपको निकालना होगा अपने से खुद से आपके अपने अनुभव से दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप किसी भी मोटर का वायरिंग डाटा निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और यार दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।